तो यहां पर हम देख सकते हैं रुपी का सिंबल हमारा यहां पर आ रहा है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम कीबोर्ड का यूज करते हुए रुपी साइन को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले यहां पर जो मेरे पास कीबोर्ड है उसको आप देख सकते हैं। यहां पर जो फोर्थ न्यूमेरिक की है इसके अंदर हमारा डॉलर है और इसी के अंदर ही रुपी का सिंबल है। अब यहां पर हो सकता है कि जो आपके पास कीबोर्ड है उसके अंदर जो रुपी का साइन है वो इस वाली की के ऊपर हो। सब में ये वर्क सेम ही करेगा। अब बात करते हैं कि इसको इंसर्ट हम कैसे करेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड है यहां पर हम रुपी का साइन इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट 4 प्रेस करेंगे। यहां पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारे कीबोर्ड का इनपुट मेथड है ये हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश इंडिया। बात करते हैं सेकंड मेथड की। यहां पर जो हमारा सेकंड मेथड है इसमें हम ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे। इसके बाद जो हमारे कीबोर्ड में नंबर सेक्शन है, मैं नंबर सेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा, तो ऑल्ट हम प्रेस करके रखेंगे और यहां पर नंबर सेक्शन के अंदर हम 8377 ये प्रेस करेंगे। इसके बाद हम ऑल्ट की को छोड़ देंगे। ऑल्ट की को छोड़ते ही हमारा रुपी का सिंबल ऐड हो जाएगा। अब हमारा थर्ड और लास्ट मेथड है, यहां पर हम प्रेस करेंगे 20B9। बी को हम छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं। 20B9 लिखने के बाद हम प्रेस करेंगे ऑल्ट एक्स, रुपी का सिंबल हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये तीन मेथड हैं जिसको कि हम रुपी का सिंबल ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी आपके लिए कौन सा मेथड यूजफुल है उसको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक्सेल और टैली को सीखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।